हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं अफशा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुपर इजी फ़िश रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में उतनी ही इजी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 किलो फ़िश है और आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी झाड़ लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी। तो अब हम इन सारे मसालों से इसे कोड कर लेंगे। तो देखिए, सारे मछली के पीस मसाले से कोड हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने एक भगोने में 250 ग्राम सरसों का ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तो मछली में ऑयल ज़्यादा ही लगता है। तो आप जब भी मछली बनाएं, सरसों के तेल में ही बनाएं, क्योंकि सरसों के तेल में मछली अच्छी और टेस्टी बनती है। तो अब हम मछली को भगोने में अरेंज कर देंगे और मछली को फ्राई करेंगे और हल्के हाथों से मछली को पलटेंगे ताकि मछली के पीस टूटे नहीं। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है और सिंपल तरीके से बनती है। तो यहाँ मछली फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे भगोने में से निकाल लेंगे। तो देखिए, मछली को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम इसे साइड में रख देंगे। ये है खड़े गरम मसाले, एक दालचीनी का पीस है जिसके हमने 4-5 पीस कर रखे हैं, 10-12 काली मिर्च है, 10-12 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 2 बादियन के फूल है, 1/2 टेबल स्पून जीरा है। तो जिसमें हमने मछली फ्राई करती उसी ऑयल में हम ये खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा चलाएंगे ताकि गरम मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ जाए। ये है एक लार्ज साइज़ की प्याज का पेस्ट, जिसे काट कर हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही में ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है। इस तरह मसाला तैयार करने से मसाला फूला फूला बनता है। तो अब इस मसाले को हम ऑयल में ऐड कर देंगे और इस मसाले को भूनेंगे। तो मसाला हमारा यहाँ भुन चुका है। तो देख सकते हैं आप कि मसाला कितना फूला फूला बन के तैयार हुआ है। तो इस स्टेज पे ऐड करेंगे हम पानी। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो आप पानी ऐड ना करें, बट यहाँ हमें ग्रेवी थोड़ी शोरबे वाली चाहिए, तो इसलिए हमने पानी ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला, इससे खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बढ़ता है। चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल ले लेंगे। ये है कसूरी मेथी, तो 2 टेबल स्पून बराबर कसूरी मेथी हाथों से क्रश करते हुए ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हम अपनी फ्राई मछली ऐड कर देंगे। तो चम्मच से हल्के हाथों से इसे इस तरह चला देंगे, बड़े चम्मच से नहीं चलाएंगे वरना मछली के पीस टूट जाएंगे। तो इसमें एक उबाल आ चुका है, तो इस स्टेज पे गैस ऑफ कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। अगर आपको केवड़ा वाटर पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। हल्का सा शोरबे को चला देंगे, फिर इसे कवर करके 2-3 मिनट के लिए ऐसी छोड़ देंगे ताकि केवड़े की खुशबू इसमें समा जाए। अब हम इसे खोल के देखेंगे। तो देखिए, हमारी सुपर इजी फ़िश रेसिपी बनके तैयार है। और देखिए, रखे रखे इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है। तो भगोने को हम
इस तरह घुमा देंगे, चम्मच से नहीं चलाएंगे। तो अब हम सर्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अच्छी लुकिंग के लिए गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। तो ये मछली की रेसिपी बहुत ही उम्दा और टेस्ट में लाजवाब बनती है, इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी और प्लेन राइस के साथ। तो अब हम मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।